हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल की एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो रिलेटेड है फ्लिपकार्ट से। दोस्तों होता क्या है, कभी कभी हम जब कोई फ्लिपकार्ट से ऑर्डर मंगाते हैं और ऑर्डर कभी कभी गलत आ जाता है, मतलब या तो जैसे हमने कपड़े मंगाए हैं तो वो गलत साइज़ के आ जाते हैं या फिर कपड़ों में कोई डिफेक्ट होता है। इसी तरह से कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम मंगाते हैं तो या तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम गलत आ जाता है या जो क्वालिटी हमने एक्सपेक्ट करी होती है वैसी नहीं होती है, तो हमें उस ऑर्डर को रिटर्न करना होता है। तो मान लीजिए दोस्तों आपको कोई ऑर्डर रिटर्न करना है तो किस तरह से करना होता है आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो करना क्या होता है आपको कि सबसे पहले फ्लिपकार्ट में जाना होता है। दोस्तों फ्लिपकार्ट में जाने के बाद आपको ऊपर ये लेफ़्ट साइड में तीन तीन लाइनें दिखाई देती हैं, इन पर क्लिक करना होता है। उसके बाद ये बहुत सारा मेन्यू खुल के आ जाता है और यहाँ पर एक ऑप्शन दिखता है आपको माई ऑर्डर्स, माई ऑर्डर्स में जाना होता है। माई ऑर्डर्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर जो भी आपने ऑर्डर आज तक किए होते हैं वो सारे ऑर्डर यहाँ पर दिख जाते हैं। तो दोस्तों हमें जो भी हमारा ऑर्डर गलत आया होता है उस ऑर्डर को वापस करना होता है। जैसे जी सेकेंड नंबर पे मैंने एक कीबोर्ड और माउस मंगाया था तो ये डिफेक्टेड आ गया था। तो इस पर हम जाएंगे अंदर, ऑर्डर के अंदर जाएंगे। ऑर्डर के अंदर जाने के बाद दोस्तों आज ये देखिए मुझे डिलीवर भी हो चुका है और ये जो थोड़ा टूटा हुआ निकला था तो मुझे इसको रिटर्न करना है। तो यहाँ पर ये रिटर्न का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे। दोस्तों रिटर्न पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे और जो भी ऑप्शन सूटेबल हो आपको उस पर क्लिक कर देना है। मान लीजिए जैसे आपका अगर ऑर्डर गलत साइज़ का आ गया है या फिर टूटा हुआ निकला है तो आपको वही ऑप्शन ढूंढ के उस पर क्लिक कर देना है। जैसे मेरा ये कीबोर्ड टूटा हुआ निकला था तो इसमें मैं क्लिक कर दूंगा रिसीव्ड अ ब्रोकन या डैमेज्ड आइटम। उसके बाद यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर मोर डिटेल्स आ जाएंगी। मोर डिटेल्स में भी यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर मैं यही पहला वाला ऑप्शन क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको कोई कमेंट्स लिखने हैं कि आपको साथ में कुछ और कहना भी है उनको, तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ। अपना कमेंट लिखने के बाद आपको यहाँ पर एक कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पर पिकअप एंड डिलीवरी जो एड्रेस है, आप यहीं से फ्लिपकार्ट से जो भी पर्सन आएगा वो इसी एड्रेस पर आएगा आपके यहाँ पे। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट डू यू वांट इन रिटर्न, मतलब आपको बदले में क्या चाहिए, अपने पैसे चाहिए या फिर दूसरा ऑर्डर चाहिए। मतलब जैसे कीबोर्ड मैंने टूटा हुआ मिल गया था तो मुझे दूसरा कीबोर्ड चाहिए या फिर मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। तो जैसे मैंने दो कीबोर्ड मंगाए थे तो मेरा एक सही निकला था, एक सही नहीं निकला, तो मुझे अपने पैसे वापस चाहिए, तो मैं पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा रिफ़ंड पर। रिफ़ंड पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे, बैंक अकाउंट और गिफ्ट कार्ड वॉलेट। तो मैं अपने बैंक अकाउंट में पैसे लेना चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना अकाउंट ऐड कर देना है। अगर पहले से ऐड है आपका तो यहाँ पर एग्जिस्टिंग अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आपका ये अकाउंट यहाँ पर आ जाएगा और इस पर क्लिक कर देना है, और या फिर ऐड न्यू अकाउंट पर करके आप अपनी पूरी डिटेल्स पासबुक से भर सकते हैं। उसके बाद आपको सबमिट रिक्वेस्ट कर देना है। सबमिट करने के बाद ये देखिए दोस्तों यहाँ पर आप ट्रैक भी कर सकते हैं अपने ऑर्डर को कि कब कब आपका ऑर्डर लेने वापस आएगा व्यक्ति। देखिए रिटर्न सक्सेसफुली इनिशिएटेड, यहाँ पर रिटर्न होने शुरू हो गया है और यहाँ पर लिख कर आया है पिकअप विल हैपन बाय मंडे 7th जून, मतलब आज है 5 जून और इसमें लिख के आ रहा है कि 7 जून को जो है पिकअप हो जाएगा, मतलब आपका ऑर्डर वापस ले लिया जाएगा और पैसे अकाउंट में वापस आ जाएंगे। तो वीडियो आपको समझ में आ गई होगी किस तरह से अपने ऑर्डर को रिफ़ंड करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।